जय श्री कृष्णा। आज जैसे लास्ट क्लास में हम लोग टॉर्क का कैलकुलेशन सीख रहे थे और अल्फा निकालना मैंने आपको सिखाया था, एक क्वेश्चन दिया था। अब उसी क्वेश्चन के अंदर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ और बातें करेंगे, मतलब टॉर्क के क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस अभी आज और करेंगे। तो जैसे ये क्वेश्चन आपको कराया था मैंने लास्ट क्लास में और उसी के आगे हम लोग बढ़ेंगे। और ये रॉड का मास एम है, रॉड की लेंथ एल है और रॉड को हमने रिस्ट से रिलीज किया है, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूं, रॉड इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, रॉड इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी, rod is released from rest, find the angular velocity when rod is vertical, find the angular velocity when rod is vertical। एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू उस समय बताओ जब रॉड वर्टिकल होगी। सवाल समझे? सवाल ये है कि रॉड को मैंने रिलीज किया रेस्ट से, अभी रॉड गिरना चालू होगी, गिरते गिरते वर्टिकल जब होगी तो उस समय इस रॉड की एंगुलर वेलोसिटी आपको बतानी है। रॉड को हमने छोड़ा रेस्ट से, देखें सॉल्व करने, रॉड को हमने रेस्ट से छोड़ा, ये रॉड नीचे आएगी, जब ये नीचे आएगी तो कितना इसका ओमेगा होगा, ये मैं एज्यूम कर लेता हूं कि इसका ओमेगा ये हो गया। अभी हम लोग जानते हैं कि जितना भी, जैसे रॉड नीचे की तरफ आ रही तो जितना भी पोटेंशियल एनर्जी का नुकसान होगा काइनेटिक एनर्जी का उतना फायदा होगा। अब किसी भी रिजिड बॉडी या बड़े ऑब्जेक्ट का जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसके सेंटर ऑफ मास से देखते हैं, ये यहां से आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी का नुकसान कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी का नुकसान होगा एमजी एल बाय टू, और जितना पोटेंशियल एनर्जी का नुकसान होगा वो काइनेटिक एनर्जी का फायदा है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ट्रांसलेट रोटेशनल मोशन में जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के बराबर होती है, तो एमजी एल बाय टू इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये एमजी एल बाय टू और आई किसके बराबर है, एम एल स्क्वायर बाय थ्री इंटू ओमेगा स्क्वायर। सॉल्व करेंगे एम से एम चला जाएगा, एक एल से एक एल जाएगा, टू से टू जाएगा और ओमेगा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ थ्री जी बाई एल, ये ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। अब इसके अंदर एक और क्वेश्चन बनता है, ओमेगा की वैल्यू आपने निकाल ली, अगला इसके अंदर जो सवाल बनता है वो देखें, फाइंड द हिंज फोर्स, फाइंड द हिंज फोर्स व्हेन रॉड इज वर्टिकल, फाइंड द हिंज फोर्स व्हेन रॉड इज वर्टिकल, फाइंड द हिंज फोर्स व्हेन रॉड इज वर्टिकल। हिंज का फोर्स बताओ जब रॉड वर्टिकल है उस समय हिंज रॉड के ऊपर कितना फोर्स लगा रही, ये आपको निकाल के बताना है। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि हिंज का फोर्स बताना है जब रॉड वर्टिकल है, तो रॉड वर्टिकल है तो ओमेगा तो हमने निकाल ही लिया था लास्ट इसमें, तो अब जब रॉड वर्टिकल है उसमें मान लेता हूं कि हिंज जो फोर्स लगा रही वो वाई डायरेक्शन में एन वाई है और जो एक्स में लगा रही वो एन एक्स है, ठीक है। उसके अलावा इसके सेंटर पे एम जी लग रहा है। अब अगर मैं इसका इक्वेशन लिखूंगा तो एक तो फोर्स इधर mg है, एक ny इधर है। अच्छा, एक्सेलेरेशन दो टाइप के होते हैं, एक ac होता है एक at होता है। सर्कुलर मोशन कर रहा है सेंटर, तो मैं अगर वर्टिकल डायरेक्शन में इस पे न्यूटन्स लॉ लिखूं तो वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन बनेगा ny माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू ac, ठीक है। ny ऊपर की तरफ है, mg नीचे की तरफ है, तो ny माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू ac, तो ny की वैल्यू क्या हो जाएगी, mg प्लस m, और एसी जो आएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन जो आएगा वो आएगा ओमेगा स्क्वायर एल बाई टू, ये जो आएगा ना ये ओमेगा स्क्वायर एल बाई टू के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता ही है, तो ये हो जाएगा एम जी प्लस ओमेगा एम ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा थ्री जी बाई एल इंटू एल बाई टू, एल से एल चला जाएगा और ये कितना आ जाएगा फाइव एम जी बाई टू, ये एन वाई की वैल्यू आ गई, एन वाई आ जाएगा फाइव एम जी बाई टू। और nx यहां पर देखें, nx कितना आएगा देखें, nx जीरो आ जाएगा, क्यों, नेट टॉप सर जब वर्टिकल जाएगा, हाँ नेट टॉप तो जीरो रहेगा, बिल्कुल नेट टॉप जीरो, अल्फा वैल्यू जीरो, अल्फा वैल्यू जीरो, एटी वैल्यू जीरो। देखो ऐसे देखो कि जब जब ये वर्टिकल है तो जो भी फोर्स है वो यहां से गुजरना इस जगह से, तो nx ny mg
ये तीनों यहीं से गुजर रहे हैं, अगर ये तीनों यहीं से गुजर रहे हैं, इसी जगह से गुजर रहे हैं, तो इस पॉइंट के बाद नेट टॉर्क जीरो आ जाएगा। नेट टॉर्क जीरो आ जाएगा तो टाउ किसके बराबर होता है, आई अल्फा के बराबर। टाउ जीरो होगा तो अल्फा जीरो होगा, और अल्फा जीरो होगा तो एटी जीरो हो जाएगा, क्योंकि एटी इज इक्वल होता है आर अल्फा। एटी जीरो हो गया, एटी जीरो हो जाएगा तो एनएक्स एनएक्स भी जीरो हो जाएगा, तो एनएक्स इज इक्वल टू एम इंटू एटी होगा ना, एनएक्स भी जीरो के बराबर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक सवाल ये आपके लिए आया है, इसके अंदर ये एक स्क्वायर प्लेट है, और इस स्क्वायर प्लेट में ये जो पॉइंट है, किस पॉइंट के अबाउट स्क्वायर प्लेट हिंज्ड है। कुछ इस तरह से आप समझें, ऐसे ये कॉपी लीजिएगा, जैसे ये समझ लीजिए कुछ इस तरह से कॉपी है, और इस पॉइंट के अबाउट हिंज्ड है। ऐसे शुरू में ये जो लाइन थी ये हॉरिजॉन्टल थी, फिर एकदम से हमने इसको छोड़ा तो ये क्या करेगा, नीचे आएगा। तो कुछ इसी तरह की कंडीशन, स्क्वायर प्लेट है, इस पॉइंट के अबाउट हिंज्ड है, और हमने एकदम से इसको रिलीज किया। ठीक है, क्वेश्चन लिख रहा हूं, द प्लेट इज released from rest. The plate is released from rest from situation shown. From position shown. Find the force by hinge. Just after the event, find the force by the hinge just after the event. बिल्कुल, इसमें इसको छोड़ा, जैसे ही छोड़ा, छोड़ते ही गिरने लगेगा, तो छोड़ते ही इस ये हिंज का फोर्स कितना होगा, और इस प्लेट का मास में एम मान लेता हूं। 5 मिनट का समय लीजिएगा आप, और 5 मिनट बाद फिर हम लोग इसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसका ये जो क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन मैं बताने जा रहा हूं। आपको पता तो है कि भाई कैसे करेंगे, लास्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का था। थोड़ा सा इसके अंदर मेहनत करते हैं, जरा जाइए सब लोग देखिए ध्यान से इसको। ये L है, L है, L है, और अगर मैं सबसे पहले मान लेता हूं कि हिंज जो है एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगा रही एन वाई, वाई डायरेक्शन में, और एक्स डायरेक्शन लगा रही एन एक्स, तो मुझे इस nx और ny की वैल्यू निकालनी है। अब nx और ny की वैल्यू निकालने के लिए मैं इसके ऊपर और बाकी जो फोर्सेस लग रहे हैं वो देखता हूं। एक तो इस पे भाई mg लग ही रहा होगा नीचे की तरफ, देखिए जरा ध्यान से, अगर मैं इस हिंज के अबाउट अगर मैं टॉर्क निकालूं तो nx का टॉर्क भी जीरो आएगा, ny का भी जीरो आएगा, सिर्फ टॉर्क आएगा mg का, और mg का टॉर्क कितना आएगा, mg into l by 2, ये इसका टॉर्क आएगा, और ये आई अल्फा के बराबर होता है। थोड़ा ध्यान से देखें तो इस एक्सिस के अबाउट, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने निकलवाया भी था आपको, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा 2/3 ml², ये इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3 ml² इंटू अल्फा, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, ये इस तरह से हो जाएगा, और हम एम से एम चला जाएगा, एल से एल भी चला जाएगा, और अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 3g/2l, 3g/4l, ये अल्फा की वैल्यू आ गई। अब अल्फा की वैल्यू आ गई, अब उसके बाद ये जब हमने इसको छोड़ा है तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है, इसी पे हम न्यूटन्स लॉ लगाते हैं, तो जो सेंटर ऑफ मास होगा उसके पास दो एक्सेलरेशन हो सकता है, एक एसी हो सकता है, एक एटी हो सकता है, सर्कल में घूमेगा सेंटर ऑफ मास, तो दो एक्सेलरेशन हो सकते हैं, एक एसी और एक एटी। ध्यान से देखें तो आप खुद बोलेंगे कि एसी जीरो आएगा, एसी इसलिए जीरो आएगा कि एसी होता है ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा की वैल्यू यहां पे जीरो है, इसलिए एसी की वैल्यू जीरो आ जाएगी, तो एसी तो जीरो आ गया, एटी की वैल्यू आएगी आर अल्फा, एटी इज इक्वल टू आर अल्फा, आर की वैल्यू ये जो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस आएगी √2l, यहां से यहां तक, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी l/√2, तो ये हो जाएगा l/√2, और अल्फा की जो वैल्यू आएगी, अल्फा की वैल्यू आएगी 3g/4l, अल्फा आएगा 3g/4l, और ये l/√2, एल से एल चला जाएगा, और ए जो आएगा इसका एक्सेलेरेशन, ये आ गया 3g/4√2। यहां तक देखिए ध्यान से, तो एटी की वैल्यू आ गई 3g/4√2। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, अब मैं इसके ऊपर किसी एक्स डायरेक्शन में या वाई डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ अप्लाई करके एन एक्स और एन वाई की वैल्यू निकालने जा रहा हूं। पहले मैं निकालूंगा वैल्यू एन वाई की, अगर हम इसके ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में न्यूटन लॉ अप्लाई करें तो वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे की तरफ mg लग रहा है, ऊपर की तरफ ny, तो ये हो जाएगा mg-ny, ये वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स हो गया, ये बराबर होगा मास इनटू इसका वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन। ध्यान से देखें वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन क्या होगा, अगर इधर एक्सेलेरेशन a है तो वर्टिकल एक्सेलेरेशन आएगा a/√2, ये एंगल होगा 45 डिग्री स्क्वायर है ना, तो अगर ये एक्सेलेरेशन a है तो ये आ जाएगा a/√2, तो इसकी जगह आ जाएगा a/√2,
ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ए बोलो ए टी बोलो दोनों एक ही बात है, ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो अब एन वाई की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी एम जी माइनस एम, और ए की जगह हो जाएगा थ्री जी बाई फोर रूट टू, थ्री जी बाई फोर रूट टू इंटू वन बाई रूट टू, ये आ जाएगा रूट टू चला जाएगा, और ये हो जाएगा एम जी माइनस थ्री एम जी बाई एट, तो ये कितना हो जाएगा 5 mg by 8 आ गया ये ny, और nx निकाले हम, ये ny की वैल्यू आ गई, कोई डाउट इसमें किसी को, ये ny आ गया, अब nx की वैल्यू निकालने हैं, तो nx के लिए मैं हॉरिजॉन्टल में न्यूटन लॉ अप्लाई कर दूंगा, तो हॉरिजॉन्टल में अगर मैं न्यूटन को लॉ अप्लाई करूंगा तो nx इज इक्वल हो जाएगा m इंटू ए बाई रूट टू, ए बाई रूट टू क्यों, क्योंकि ये एंगल भी तो 45 होगा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो हो जाएगा, तो ये एम ए बाई रूट टू, तो एम बाई रूट टू, और ए की वैल्यू लिखूंगा मैं 3g अपॉन 4 रूट टू, 3g अपॉन 4 रूट टू, ये किसके बराबर जाएगा 3mg बाई 8, 3mg बाई 8 के बराबर जाएगा, तो ये nx और ny की वैल्यू आ जाएगी। रिपीट कर रहा हूं मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, आप देखें ध्यान से, तो हमें nx और ny की वैल्यू निकालनी है, तो पहले मैंने हिंज के अबाउट टॉर्क निकाला, टॉर्क निकालने से अल्फा आया, अल्फा आया फिर इसका सेंट्रो मास सर्कल में घूमेगा, तो एक एसी हो जाएगा, एक एटी हो जाएगा, एसी होगा ओमेगा स्क्वायर आर, और एटी होगा आर अल्फा, चूंकि ओमेगा जीरो है तो एसी जीरो हो जाएगा, और एटी की वैल्यू आर अल्फा आएगी, और आर ये दूरी हो जाएगी एल बाई रूट टू, और अल्फा हमने निकाल रखा था, तो ये बेसिकली थ्री जी बाई फोर रूट टू हो जाएगी। अब मैं वर्टिकल डायरेक्शन में न्यूटन लॉ लगा दूंगा, तो एम जी माइनस एन वाई इज इक्वल टू एम इन टू ए बाई रूट टू आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल में लगाऊंगा तो उससे ही आ जाएगा, तो एन एक्स और एन वाई की वैल्यू इस तरह से हम लोग सॉल्व करके निकाल सकते हैं, कैलकुलेट करके एन एक्स और एन वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, कुछ और जैसे टॉर्क से जुड़े हुए सवाल आते हैं, तो कुछ और मैं टॉर्क के क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ करने के लिए। एक टॉर्क का क्वेश्चन ये आता है, सपोज करो एक पुली है, पुली को हम लोग डिस्क मान सकते हैं, पुली का मास m है, रेडियस r है, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करने के लिए फ्री है पुली, ठीक है, और इससे एक हमने मास m बांध दिया है, पुली का खुद का मास भी m है, और रस्सी से मास हमने m बांध दिया है। सवाल पहले समझ लीजिएगा, सवाल ये कि अभी तक जो आप पुली रस्सी के सवाल करते थे उसमें रस्सी क्या होती थी, पुली पे फिसलती थी, इस बार क्या होगा कि ये रस्सी पुली पे फिसलेगी नहीं, जैसे जैसे इसको छोड़ेंगे नीचे आएगा और ये इसके ऊपर स्लिप नहीं करेगी। मैं लिख दे रहा हूं, द स्ट्रिंग डज नॉट स्लिप, द स्ट्रिंग डज नॉट स्लिप ऑन द पुली, द स्ट्रिंग डज नॉट स्लिप ऑन द पुली, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन द स्ट्रिंग, जो रस्सी है वो पुली के ऊपर स्लिप नहीं कर रही है, तो स्ट्रिंग का टेंशन बताओ, दोनों का मास सेम है और रेडियस आर है। स्टार्ट, तो इसके अंदर ये जो मास है, देखें इसका सॉल्यूशन, तो ये मास नीचे की तरफ आ रहा है, अगर ये मास नीचे की तरफ आ रहा है तो ये इसके साथ पुली ये रोटेट करेगी। अच्छा, पुली को हम लोग डिस्क मान करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो अभी जैसे इस पे रस्सी का टेंशन टी ऊपर की तरफ है, ब्लॉक का वेट एम जी है, और मैं इसका एक एक्सेलेरेशन ए मान लेना, तो इसका एक्सेलेरेशन ए मान लो, तो इक्वेशन इसका जो बनेगा वो बनेगा एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए, एक इक्वेशन ये बनेगा। दूसरा इसके ऊपर टॉर्क का इक्वेशन बनेगा, टॉर्क का इक्वेशन बनेगा टी इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा, टाउ टाउ होगा टी इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा, और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके एक्सिस के अबाउट कितना होता है, एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू अल्फा। थोड़ा ध्यान से देखें, तो ये पॉइंट नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन जो होता है वो आर अल्फा के बराबर होता है, तो ए जो है वो आर अल्फा के बराबर हो जाएगा, एक आर तो देखिए यहाँ एक आर से उड़ चुका है, आर अल्फा की जगह ए बाई आर कर दूंगा मैं, तो टी हो जाएगा एम आर इंटू ए बाई आर इंटू टू, तो टी कितना हो गया एम ए बाई टू, टेंशन एम ए बाई टू के बराबर आ गया। इस एम ए बाई टू की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, ये जो एम ए बाई टू आया है इसको यहाँ पुट कर दें, तो एम जी इज इक्वल हो जाएगा थ्री एम ए बाई टू ना, अगर टी की जगह मैं यहाँ एम ए बाई टू कर दूं तो ये थ्री एम ए बाई टू हो जाएगा, और सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए आ जाएगा टू जी बाई थ्री, और इस ए की वैल्यू में यहाँ पुट करेंगे तो टेंशन जो आएगा वो कितना आ जाएगा, टेंशन एम जी बाई थ्री के बराबर आ जाएगा। तकलीफ इसमें किसी को? एक सवाल और देखिए, सेम इसी पैटर्न का सवाल है, ये पुली है,
और पुली से एक मास लटका हुआ है, 2M इधर लटका हुआ है, M इधर लटका हुआ है। पुली का अपना मास जो है वो M है, ऐसा दिया हुआ है, और इस सिस्टम को हम रेस्ट से रिलीज करते हैं। क्वेश्चन है, द स्ट्रिंग डज नॉट स्लिप, द स्ट्रिंग डज नॉट स्लिप ऑन पुली, फाइंड द स्ट्रिंग डज नॉट स्लिप ऑन द पुली, द स्ट्रिंग डज नॉट स्लिप ऑन द पुली, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ मास 2m। जब आपने इस सिस्टम को छोड़ा तो ये रस्सी इसके ऊपर फिसल नहीं रही है, मतलब क्या होगा कि जब रस्सी नीचे आएगी या मास नीचे आएगा तो ये इसको ऐसे पुली भी घूमेगी, उसके ऊपर फिसल नहीं रही, उसके साथ ही चलेगी। तो आपको बताना है कि 2m मास का एक्सेलेरेशन कितना होगा, पुली का मास जो है वो भी m के बराबर है, पुली का मास भी m के बराबर है, तो 2m मास का एक्सेलेरेशन। तो ये जो सवाल है, इस सवाल का मैं सोल्यूशन आपको बताने जा रहा हूं। इसके अंदर जो सबसे खास बात यह है कि ये जैसे मास 2m है, ये m है, तो ये रोटेट करेगा। अगर ये रोटेट करेगा तो इसका मतलब, अगर रोटेशन हो रहा है तो इस साइड की रस्सी जो है उसका टेंशन ज्यादा होगा। अभी तक जो सवाल आते थे उनके अंदर टेंशन हर जगह सेम लेते थे, लेकिन अगर ये रोटेट कर रहा है तो इस साइड का टेंशन ज्यादा होगा। मैंने मान लिया इस साइड का टेंशन T1 है और इस साइड का टेंशन T2 है, ऐसा मैंने ज्यूम कर लिया। और इस पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क का इक्वेशन लिखते हैं, इस पॉइंट के अबाउट। तो अगर इस पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क का इक्वेशन लिखें तो टॉर्क का, पहले तो मैं वही लिख देता हूं, मान लो जैसे एक्सेलेरेशन का इक्वेशन, दोनों का, इसका एक्सेलेरेशन ए डाउनवर्ड होगा और इसका ए अपवर्ड होगा। मैंने माना इसका टेंशन T1, तो इक्वेशन बनेगा इसका 2mg नीचे T1 ऊपर, तो इक्वेशन बनेगा 2mg माइनस T1 इज इक्वल टू 2ma। एक बार दूसरा, T2 ऊपर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, तो T2 माइनस mg इज इक्वल टू ma, ये भी सही है। तीसरा इसके अंदर जो आएगा, तीसरा जो इक्वेशन आएगा वो ये आएगा कि हम इस पॉइंट के बाद टॉर्क का इक्वेशन लिखें, तो इस पॉइंट के बाद टॉर्क का इक्वेशन अगर हम लिखेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, T1 इंटू आर माइनस T2 इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा। आई जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, mr स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा, में a बाई आर लिख सकता हूं, सीधे इज इक्वल टू आर अल्फा बार बार, तो ये r r r r स्क्वायर सब चला जाएगा, और यहां से आएगा T1 माइनस T2 इज इक्वल टू एम ए बाई 2, यहां जाएगा। अब अगर मुझे एक्सेलेरेशन चाहिए तो साफ साफ दिख रहा है, सबको जोड़ डालो, T1 से T1 जाएगा, T2 से T2, 2mg माइनस mg कितना हो जाएगा mg, और 3ma प्लस ma बाई 2, mg इज इक्वल टू 3ma प्लस ma बाई 2, तो कितना हो जाएगा 7ma बाई 2 हो जाएगा, mg इज इक्वल टू 7ma बाई 2 हो जाएगा, और इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a आएगा 2g अपॉन 7, एक्सेलेरेशन की जो वैल्यू आ जाएगी 2g अपॉन 7 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, कोई डाउट इसमें? अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया इसमें थोड़ी मेहनत ज्यादा पड़ी, इसको थोड़ा जल्दी कर सकते हैं हम, जल्दी मतलब इसमें एक जैसे ट्रिक टाइप के मान लें, ठीक है, नहीं वो वाला मेथड नहीं लगेगा बेटा इसमें, ठीक है, वो तो तब लगता था जब मतलब पुली फ्रिक्शन लेस होती थी। देखिए इसको ऐसे मान सकते हैं कि जैसे इसको देखें, ध्यान से देखें जो मैं बता रहा हूं, ये जो मास 2m था, इस मास 2m को अगर मैं यहां के बजाय यहां मान लूं तो कोई फर्क पड़ेगा? अगर इस मास को मैं यहां के बजाय यहां मान लूं, ये छोटा सा पार्टिकल मान लूं यहां चिपका हुआ है, ये छोटा सा पार्टिकल यहां चिपका हुआ है, तो रस्सी भी इसे हटा दी बेसिकली मैंने, तो मैं बेसिकली टेंशन को हटाना चाह रहा हूं, बिना टेंशन के काम करना चाह रहा हूं। तो अगर मैं सारा मास यहां मान लूं और ये सारा मास यहां मान लूं और डायरेक्ट इस पर टॉर्क का इक्वेशन लिखूं, तो डायरेक्ट टॉर्क का इक्वेशन इस साइड से पड़ेगा 2mg इंटू आर, इस साइड से पड़ेगा एमजी इंटू आर, और ये होगा आई अल्फा। और आई की वैल्यू अगर हम देखें मोमेंट ऑफ इनिशिया, तो मोमेंट ऑफ इनिशिया एक तो डिस्क का होगा, और ये जो 2m मास इससे चिपका हुआ इसका होगा, और ये जो m मास इससे चिपका हुआ इसका होगा, तो ये हो जाएगा आपका mr स्क्वायर प्लस 2mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा, ये हो जाएगा। ये मास मैंने मान लिया इससे चिपका हुआ, बस ऐसे एक अप्रोक्सीमेशन टाइप का हो गया। अभी सॉल्व करेंगे तो mg इंटू आर जो आएगा ये बराबर हो जाएगा 3 और 1 बाई 2 प्लस, तो 7mr स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा, m से m जाएगा, r से r जाएगा, और अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2g अपॉन 7r, ये अल्फा आ जाएगा, और a इज इक्वल टू r अल्फा होता ही है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2g बाई 7 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम मतलब इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं।
एक और सवाल देखिए ले आया मैं आपके लिए डबल पुली का क्वेश्चन। डबल पुली का मतलब क्या होता है कि डबल पुली में दो पुलीज होती हैं लेकिन दोनों का एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम होता है। जैसे डबल पुली का एग्जांपल आप सोच सकते हैं, जैसे बेलन हो गया, बेलन देखा है आप लोगों ने, तो बेलन के अंदर क्या होता है कि एक तो बीच में सिलेंडर होता है और एक दो सिलेंडर छोटे छोटे किनारे किनारे होते हैं और उनकी एक्सिस सेम होती है। तो डबल पुली के अंदर दो पुलीज होंगी लेकिन दोनों रिजिडली क्लैंप्ड होंगी और उनकी एक्सिस सेम होंगी। सपोज करो ये एक डबल पुली है, डबल पुली में आपको समझा दूं कैसे होगी। अगर किसी भी पुली को सामने से देखो तो ऐसी दिखती है, कुएं पे अगर आप जाके देखो तो कुछ इसी तरह से पुली दिखाई पड़ती है। तो डबल पुली कुछ इस टाइप से होती है, इसी पुली के साथ एक और पुली लगी होती है ऐसे ऐसे, ठीक है। और ये जो डबल पुली होती है ये जब रोटेट करते हैं तो दोनों एक साथ ही रोटेट करते हैं। तो ये डबल पुली का एक आपको मैंने व्यू दिखाया, ठीक है। अब डबल पुली का मतलब क्या है ये मैंने आपको समझा दिया। जैसे डबल डेकर बस होती है ना, तो दोनों जो फ्लोर होते हैं एक साथ चलते हैं, ऐसा तो नहीं कि एक फ्लोर अलग जा रहा है एक फ्लोर अलग जा रहा है, दोनों एक ही तरफ जाते हैं। तो उसी तरह से डबल पुली है, दोनों का अल्फा और ओमेगा सब कुछ सेम होगा, बस कहने को दो पुली वास्तव में ये एक ही है। तो अब इसी डबल पुली पे क्वेश्चन बन रहा है कि एक डबल पुली है जिसकी बड़े वाले पार्ट का जो रेडियस है, बड़ा पार्ट जो है उसका रेडियस है 3R और छोटे वाले पार्ट का रेडियस है R, और जो छोटी वाली पुली है उससे एम मास लटकाया गया है, अपनी एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर सकता है, और बड़ी पुली जो है उससे भी एम मास ही लटकाया गया है, ठीक है। और जो ये डबल पुली है इसका इन दोनों मासेस को छोड़ दिया जाए तो डबल पुली का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है वो दे रखा है 3mR², ये इसका मोमेंट ऑफ पूरे पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3, हाँ पूरा मिला के पूरे सिस्टम का मिला के 3mR², दोनों का मिला के, मतलब छोटी और बड़ी पुली है तो दोनों एक ही ना वास्तव में, तो दोनों का मिला के मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3mR² दिया है। क्वेश्चन इसमें है द स्ट्रिंग डज नॉट स्लिप ऑन द पुली, द स्ट्रिंग डज नॉट स्लिप ऑन द पुली द स्ट्रिंग डज नॉट स्लिप ऑन द पुली Find the angular acceleration of double pulley. Find the angular acceleration of double pulley. Double pulley का angular acceleration बताएं। String जो है pulley के ऊपर slip नहीं कर रही है, तो अगर नहीं slip कर रही है तो आपको उसका angular acceleration बताना है। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। इसको सॉल्व करने के लिए इसमें मैं मान लेता हूं, पहले तो ये इसके अंदर देखो कि भाई ये वाला जो मास है नीचे जाएगा, ये वाला ऊपर जाएगा। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये वाला मास है तो मास दोनों बराबर, लेकिन इसका टॉर्क ज्यादा होगा क्योंकि ये एक्सिस से ज्यादा दूर है, तो ये मास नीचे जाएगा। मैं मान ले रहा हूं कि इसका एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो अल्फा है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा मान लू मैं, और इसका टेंशन में T1 मान लेता हूं और इसका टेंशन में T2 मान लेता हूं, और मैं अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं, ठीक है। अगर इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है तो ये वाला जो पॉइंट है इसका एक्सेलरेशन जो आएगा वो 3R α आएगा। अगर ये अल्फा से घूम रहा है तो ये रेडियस है 3R, तो इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा 3R α, और इसका एक्सेलरेशन 3R α होगा तो इस मास m का भी 3R α होगा। तो अगर मैं इसका इक्वेशन लिखूंगा इस वाले मास का, तो mg − T1 = m × 3R α एक इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन इस पे, अगर ये नीचे आएगा तो ये अपने आप रस्सी ऐसे लिपटेगी तो ये ऊपर चला जाएगा, तो T2 − mg = m × R α ये हो जाएगा एक इक्वेशन। और तीसरा जो इक्वेशन आएगा वो टॉर्क का इक्वेशन आएगा। अगर मैं इस एक्सिस के बाद टॉर्क लिखूं तो इसका जो टॉर्क आएगा T1 का वो आएगा T1 × 3R − T2 × R = iα, आई दिया था 3mR² × α, ये हो जाएगा। अब जैसे ये R तो यहां से उड़ी जाएगा, और अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं तो ये प्रॉब्लम 3T1 की आएगी, T2 से T2 तो कट जाएगा, ये 3T1 की प्रॉब्लम आएगी। तो मैं यहां को इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके और फिर मैं ऐड कर देता हूं, तो 3mg − mg 2mg हो जाएगा, T2 से T2 चला जाएगा और 3T1 से 3T1 चला जाएगा, और 3mg − mg कितना हो जाएगा 2mg आ जाएगा, और ये हो गया 6mR α, नहीं इधर 3 से मल्टीप्लाई होगा ना,
थ्री से ही मल्टीप्लाई हुआ, हाँ ठीक है, तो एम जी माइनस, हाँ तो ये 9 प्लस 1 प्लस 3 तो ये 13 एम आर अल्फा हो जाएगा, 13 एम आर अल्फा आर सॉरी एम से एम जाएगा, आर तो बचेगा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2g/13r, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ये हो गया। अब इसको ट्रिक से कर सकते थे, जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी उससे फट से कर सकते थे दो लाइन में, मैं ये वाला मान जो मतलब एक अभी थोड़ी देर पहले ट्रिक बताई थी, ये मास में सारा यहां मान लो, ट्रिक का मतलब एक छोटा सोचने का तरीका है, ऐसा नहीं कि कोई जादू है उसमें, बस उसी को ये सारा मास यहां मान लो, ये सारा मास यहां मान लो, तो इसके ऊपर टॉर्क जो लगेगा वो टॉर्क कितना लगेगा, इसके ऊपर जो टॉर्क लगेगा वो लगेगा mg/3r, ये मास m यहां मान लो तो -mg/r। अब आई जब लिखेंगे तो डिस्क का आई है 3mr2 और ये अगर इससे चिपका हुआ मानेंगे तो आई में ये भी ऐड करना पड़ेगा ना, तो ये जब आई में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा m(3r)2+m(r)2 α, ठीक है, 3mgr-mgr कितना हो जाएगा 2mgr, 2mgr और ये कितना हो जाएगा 9+1+3 तो 13mr2 α, आर से आर जाएगा, एम से एम जाएगा और अल्फा की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2g/13r, से देखा रिजल्ट आ रहा है, तो इस तरह से भी सोच सकते हैं। मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा ना मैंने, इस पूरे का 3mr2 है, ये जो है यहां से इसकी दूरी 3r3 m(3r)2 और इसकी दूरी m के बराबर है तो m(r)2, टेंशन घटा दी, मान लिया उसे चिपक गया भाई, अल्फा आना तो कॉन्स्टेंट ही है, तो हम अगर इसको इससे चिपका हुआ मान ले तो वो जो वैल्यू आएगी वो भी तो वही आ रही है ना, तो अल्फा की वैल्यू 2g/3r के बराबर आ जाएगी।